क्षितिज जरा अदानी पावर को देखें, यहां पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? बिल्कुल देखिए प्रशांत जी, कंपैरेटिवली काफी बेटर स्टॉक है, बेटर चार्ट है इनफैक्ट स्टॉक के। यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था 350 से लेके लगभग 300 रुपए की रेंज में, और एक कंसोलिडेशन फेज के बाद स्टॉक पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बता दिखाई दिया, विच एक्चुअली पॉइंट्स की जो रैली आज स्टॉक ने ली है लगभग 7-7.5% की, ये एक बड़े ब्रेकआउट के बाद आती दिखाई दे रही है और बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऊपरी स्तरों की बात करें तो अब जो रीसेंट हाईज बनाए थे स्टॉक ने लगभग 400-425 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी, अब उन्हीं लेवल्स की तरफ स्टॉक जल्दी मूव करता दिखाई देगा, तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से स्टॉक 425 की तरफ मूव करता दिखाई देगा। निचले स्तरों की एक बार बात कर रहे थे, निचले स्तरों पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है 375 से 380 के जोन में, तो इनफैक्ट जब तक स्टॉक 375 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है स्टॉक के अंदर बिल्कुल लॉन्ग बैट अपनी लेके कैरी कर सकते हैं। ऊपरी स्तर मैंने आपको सुझा दिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 375 और 380 ये जो निचले लेवल है इन पर नजर रखिए। यहां से जो सपोर्ट मिला है उस आधार पर ये है कि आगे जो है वो 425 तक के लक्ष्य जो पहले भी स्टॉक ने हासिल किए हैं वहां पहुंचना मुमकिन नजर आ रहा है।